नमस्कार। इस बुलेटिन में नेपाल के 3 मुख्य समाचार। मुख्य समाचार से पहले आपको ये बता दें कि वीरगंज में 350 स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। एक युवती को वीरगंज के अस्पतालों में भर्ती नहीं कराया गया। वो 3-4 अस्पताल में गई, उसको भर्ती नहीं लिया गया। इससे आक्रोश लोगों ने कुछ सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में बदसलूकी कर दी। इससे नाराज 350 स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल कर दी है और ये हड़ताल इस समय होना जब नेपाल में COVID-19 के केस बढ़ रहे हैं, ये वीरगंज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। नेपाल में इस समय 23,948 केस हो गए हैं, 83 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। नेपाल ने 7,75,000 टेस्ट अब तक किए हैं। COVID-19 का असर जो है वो भारत की अपेक्षा परसेंटेज में देखा जाए तो नेपाल में बहुत ही कम है। नेपाल इस समय 67 नंबर पे है COVID-19 इन्फेक्शन जो केस आ रहे हैं उनमें। क्वाला लामपुर में जो नेपाली गार्ड के साथ में कोई दुर्घटना घटी थी वो ये थी कि एक आदमी ने नेपाली आदमी की पिटाई कर दी थी। नेपाली सुरक्षा गार्ड जो कि वहाँ पे तैनात था उसकी पिटाई कर दी थी। इस घटना से सभी नेपालियों के दिलों में बहुत ज़्यादा रोष था और जब उनको पता पड़ा कि यह व्यक्ति पीटने वाला व्यक्ति तमिल है, इंडियन है, तो इससे नेपाली लोगों के दिलों में और ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब आपको जानकर ये खुशी होगी कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया था उसे क्वालालंपुर सरकार ने 4 महीने की सजा सुना दी है और वह व्यक्ति भी नेपाली ही है, पीड़ित भी नेपाली ही है। जिस गार्ड ने पिटाई खाई थी वो नवल परासी के इस्लाम हुसैन थे और जिसने उनको पीटा था वो उसी कंपनी के सुपरवाइजर जो कि कपिल वस्तु के राम गोपाल थे। राम गोपाल को वहां की सरकार ने 4 महीने की सजा सुनाई है। नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने में छोटे छोटे और बड़े रास्ते अगर आप मिला देते हैं, पगडंडी आदि सभी मिला देते हैं, तो कम से कम 90,000 जगहें ऐसी हैं जहां से भारत से नेपाल में जाया जा सकता है और नेपाल से भारत में आया जा सकता है। तो नेपाल सरकार ने सभी रास्तों को बंद करते हुए केवल और केवल 10 रास्ते यानी 10 सीमाएं ही रखी हैं जिससे आप नेपाल में प्रवेश कर पाएंगे। मंत्रिपरिषद की परसों एक बैठक हुई, उसमें निर्णय निकाला गया कि भारत से एक भी आदमी फिलहाल नेपाल नहीं आएगा और जो भारत में रह रहे हैं नेपाली वो केवल 10 जगहों से नेपाल में जा सकते हैं। ये जगहें हैं झापा, काकड़भिट्टा, रानी, मोरंग, माडर, सिरहा, वीरगंज, परसा, रूपनदेही, कृष्णनगर, बांके, कैलाली, गड्डा चौकी, कंचनपुर। लगभग 10 जगहें हैं जहां से आप नेपाल में केवल प्रवेश कर पाएंगे। अब आप किसी भी अन्य सीमा से नेपाल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिलहाल भारतीयों के लिए नेपाल में जाने की रोक लगी है।